सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों आज 20 फरवरी 2020 गुरुवार की जो 5 बड़ी वैकेंसी निकली है, कौन से विभाग में वैकेंसी निकली है आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांग रखा है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांग रखी है, कैसे आपको इन फॉर्म को भरना है। और दोस्तों आप इस हफ्ते का रोजगार समाचार पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। रोजगार समाचार पत्र का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको डेली इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की जो पहली वैकेंसी निकली है, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में वैकेंसी निकली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में 5 सहायक मार्शल की ये वैकेंसी निकली है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक की डिग्री इसके लिए मांग रखी है। इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आप देख सकते हैं, उसमें ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में मेंशन कर रखा है। पदों की संख्या जो इसमें है 5 है। सहायक मार्शल की वैकेंसी है 19/2/2020 को इसका नोटिफिकेशन निकला है और आवेदन की अंतिम डेट जो है 25/2/2020 इसमें रखी गई है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापन के बाद आपका जो प्रदर्शन रहेगा उसके अनुसार ही कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको इसके लिए करना है। आवेदन फीस जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ₹350, ओबीसी के लिए ₹250, एससीएसटी के लिए ₹200 इसमें रखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों जो निकली है, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड में वैकेंसी निकली है। 300 ड्राइवर के पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा तक आपका होना चाहिए। आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और पदों की संख्या जो है 300 है। ड्राइवर की पोस्टें हैं और इसका जो नोटिफिकेशन निकला है 19/2/2020 को निकला है। आवेदन की लास्ट डेट 4/3/2020 इसमें रखी गई है। आयु सीमा 40 वर्ष के अंदर आपकी होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है और इंटरव्यू के प्रदर्शन के अनुसार ही कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई आपको इसके लिए करना है। आवेदन फीस जनरल ओबीसी के लिए ₹160, एससीएसटी के लिए फीस इसमें माफ़ कर रखी है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों जो निकली है, पश्चिम बंगाल डाक विभाग में ये भर्ती निकली है। और पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्कल में जो 2021 GDS के पदों के लिए रोजगार समाचार पत्र में इसका नोटिफिकेशन दिया गया है जो वैकेंसी निकली है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पदों की संख्या जो है 2021 है। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है। नौकरी का जो नोटिफिकेशन निकला है 19/2/2020 को निकला है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 18/3/2020 इसमें रखी गई है। 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू के प्रदर्शन के अनुसार होगा। एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। ऑनलाइन अप्लाई आपको इसके लिए करना है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100 इसमें फीस रखी गई है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए फीस इसमें माफ़ कर रखी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों जो निकली है, बीएसएफ रिक्रूटमेंट ये निकला है। सीमा सुरक्षा बल में वैकेंसी निकली है 317 SI हेड कांस्टेबल के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं 10वीं 12वीं पास, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें 317 जो है वैकेंसी निकली है और जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 मार्च 2020 है। इसमें काफ़ी सारी इसमें वैकेंसी निकली है, इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप, इस तरह की इसमें काफ़ी वैकेंसी निकली है। सभी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है अलग अलग रखी गई है, इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों जो निकली है, HSSC ग्राम सचिवालय रिक्रूटमेंट 2020 से निकला है। 697 पटवारी वैकेंसी ये निकली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वैकेंसी निकाली है। ग्राम सचिव के पदों के लिए वैकेंसी निकली है और इसके लिए जो पात्र उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 2 मार्च 2020 तक या उससे पहले। और जो पात्रता मानदंड है इसके लिए आपको बता देते हैं क्या क्या इसमें मांग रखा है। सबसे पहले इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है 2 मार्च है और रिक्तियों का विवरण भी आपको बता देते हैं। ग्राम सचिव के पद हैं 697 पद हैं इसमें। और पात्रता मानदंड में जो शैक्षणिक योग्यता मांग रखी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत व इसके साथ में मैट्रिक या उच्चतर योग्यता प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। और आयु सीमा जो इसमें रखी गई है 17 से 42 वर्ष इसमें रखी गई है। आपको अप्लाई जो करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करना है। आवेदन का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो दोस्तों डेली इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।